डॉक्टर बिंदु गर्ग, अब मैं आपसे ये सवाल जानना चाहूँगी। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो कंसीव नहीं कर पाती हैं और वो ऐसे में आपके पास अप्रोच भी करते हैं। सो बेसिकली कौन कौन से टेस्ट हैं जो उन्हें गो थ्रू करने पड़ते हैं? इस प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है, कितने मंथ्स लगते हैं? सी, इट्स नॉट नेसेसरी कि इन केस यू आर नॉट एबल टू कंसीव दैट यू विल अंडरगो IVF ओनली। हमारे पास अगर कोई सबसे पहले आता है, हिस्ट्री लेते हैं हम, कितने साल हो गए हैं उसकी शादी को। सपोज कोई बोलता है हमको 2 ईयर्स 3 ईयर्स, वी सी द एज। अगर 1% इफ द पेशेंट इज़ वेरी यंग, दैट डजेंट मीन कि हम उसको डायरेक्टली IVF बोलते हैं। तो आपको सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू जाना पड़ता है, विच इंक्लूड्स द टेस्टिंग फॉर द मेन एंड ब्लड टेस्ट फॉर द फीमेल्स। अगर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट हमें ये बताती है उसके हार्मोनल कहाँ पर वो स्टैंड करता है, हार्मोन्स कैसे हैं, एक की क्वालिटी कैसी है, एक बेसिक टेस्ट अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, द लीस्ट इन्वेजिव प्रोसेसेस फर्स्ट वी डू। अगर इनमें नॉर्मल निकलता है तो हम पहले उनको मेडिसिन देने का कोशिश करते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स दैट व्हाट इज़ योर एज, हाउ मेनी ईयर्स यू हैव बीन ट्राइंग। और उसके बाद अगर कुछ इन्वेस्टिगेशंस में ऐसा निकलता है जिससे कि वो नॉर्मली कंसीव ही नहीं कर पाते हैं, ओनली देन दिस IVF इज सजेस्टेड। अदरवाइज मेडिसिन्स कैन वर्क एंड दे आर माइनर प्रोसीजर्स। सपोज किसी की माइनर ट्यूबल ब्लॉक है या किसी को यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं या सिस्ट हैं, दे कैन ऑल बी करेक्टेड थ्रू द लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज जो बोलते हैं, दे आर नॉन इन्वेजिव सर्जरीज। इसमें कोई एब्डोमेन नहीं खुलता है जो सर्जरी का नाम, डजंट मीन कि वी हैव टू गो फॉर अ मेजर सर्जरी। दीज आर द माइनर प्रोसीजर्स विच हेल्प। Only when we feel that all these procedures are not working और ये कामयाब नहीं हो रहे हैं, तब हम उसको IVF का सजेशन देते हैं।